वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की RINL, जिसको विजैग स्टील के नाम से भी जाना जाता है। तो विजैग स्टील यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में निकली है ITI इलेक्ट्रिशियंस के लिए बंपर भर्ती। तो अगर आपने किया है ITI में इलेक्ट्रिशियन तो आप इस भर्ती में कर सकते हैं अप्लाई। तो जानने के लिए कि कितनी सीट्स हैं और कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं और लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी और ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेनी के लिए। इस रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 4/2019। तो ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है जूनियर ट्रेनी और ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेनी के लिए RINL यानी विजैग स्टील की तरफ से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो जूनियर ट्रेनी की वैकेंसी निकली है RINL में वो कितनी है और कौन कौन सी ट्रेड्स के लिए ये वैकेंसी निकली है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक टेबल बन के आ रही है। ये है जूनियर ट्रेनीज की जो वैकेंसी जो कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में निकली है। ये अलग अलग ब्रांचों के लिए काफी नंबर ऑफ पोस्ट निकली है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 530। ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और रिफ्रैक्टरी ब्रांचेस के लिए निकली है। बात करते हैं अगर इलेक्ट्रिकल के लिए तो इलेक्ट्रिकल की 115 सीटें हैं और ये 115 सीटों में से 46 सीटें आपकी जनरल की हैं, 32 सीटें आपकी OBC की हैं, 19 सीटें आपकी SC की हैं, 2 सीटें आपकी ST की हैं और 16 सीटें आपकी EWS कोटा यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए अलॉट की गई हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है। जो इलेक्ट्रिकल की 115 वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही हैं, इसके लिए एप्लीकेशन कौन कौन भर सकता है। तो ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है आपका मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। ये इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है Matric/SSC with full time ITI/Diploma in Engineering in respective trades discipline with 60% marks in regular ITI या Diploma in Engineering for general OBC EWS candidates, 50% marks for SC/ST candidates in all subject of semester या yearly exams। तो आप देख सकते हैं ये जो अलग अलग जो वैकेंसीज हैं अलग अलग ब्रांचों के लिए, सबके लिए जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है और इसमें ITI और डिप्लोमा वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसीज हैं, 115 वैकेंसीज जो आपकी इलेक्ट्रिकल की है, उन 115 वैकेंसीज के लिए अगर आपने ITI किया हुआ है 2 साल का और वो आपके पास NCVT का ITI का सर्टिफिकेट है तो आप ITI होने के बाद आप इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा आपने किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तब भी आप इलेक्ट्रिकल के लिए जो 115 वैकेंसीज निकली है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो अदर ब्रांचेस हैं उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, आप उससे देख करके पढ़ सकते हैं। बात करें अगर इसकी एज लिमिट की तो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया जो कि RINL ने डिफाइन किया है अपने एडवर्टाइजमेंट में। ये जो एज लिमिट है ये आपकी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए 1 जुलाई 2019 को और मैक्सिमम जो एज लिमिट है जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 27 साल है, OBC के लिए 30 साल, SC के लिए 32 साल, ST के लिए 32 साल और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो अगर आपकी एज 18 साल और बाकी अपर लिमिट में जो आपकी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें दिए गए एज लिमिट के अंदर है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब इस एग्जाम के पेपर पैटर्न की। तो बात करें अगर पेपर पैटर्न की तो ये जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है ये आपका फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड होगा और CBT होगा और इस CBT में जो आपका पेपर होगा वो आपका 2 घंटे का होगा। इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2,
सेगमेंट वन जो होगा वो आपका नॉन टेक्निकल होगा और सेगमेंट टू जो होगा वो आपका टेक्निकल पोर्शन होगा। नॉन टेक्निकल में आपका जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, और जो सेकेंड पोर्शन है वो है टेक्निकल। तो आपने जिस ब्रांच से डिप्लोमा या आपने आईटीआई किया हुआ है तो उस ब्रांच के आपके क्वेश्चन सेगमेंट टू में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने देखा कि ये वैकेंसी कितनी संख्या में निकली है, कौन कौन भर सकता है, इसकी एज लिमिट क्या है और इसका पेपर पैटर्न क्या होगा। तो अब आपको बताते हैं कि आप तैयारी कैसे करें और आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप जो 75 नंबर का जो आपका टेक्निकल पोर्शन है उसको आप अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो वहां पर जो आपको पेपर मिले और जो आपके क्वेश्चन हो वो आपके पढ़े हुए हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल विजन द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल को अपने घर पर, अपने एड्रेस पर स्पीड पोस्ट से मंगाएं, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है उसमें फुल्ली आपका जो पेपर है उस पेपर से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चंस हैं वो दिखे गए हैं और जो भी एमसीक्यूज इसमें नोट डाउन किए गए हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका यूपीपीसीएल का TG2 का एग्जाम हो, चाहे आपका RINL का हो या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो एमसीक्यूज जो इसमें नोट डाउन किए गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सभी रिपीटेड जो पेपर्स हैं इसमें पूछे जा चुके हैं। तो आप अगर इस एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस एग्जाम में जो आपका टेक्निकल पोर्शन है वो आपका काफी अच्छा जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल विजन द्वारा जो तैयार स्टडी मटेरियल है उसको आप अपने एड्रेस पे मंगवाएं, और उसको मंगवाने के लिए आपके स्क्रीन पर एक नंबर लिख के आ रहा होगा, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि आप लखनऊ आकर के इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस में ज्वाइन करें और 3 महीने के अंदर जो आपके प्रिपरेशन है वो आपको जो इसमें आ रहा है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की इसमें आपको तैयारी कराई जाएगी। तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं और बैचेस आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि ये जो RINL का जो फॉर्म है, ये जो एडवर्टीजमेंट आपने देख रहे हैं जो जारी हुआ है, इसका जो फॉर्म है ये कब से स्टार्ट होगा और इसका एग्जाम कौन कौन से सेंटर्स में होगा और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये आपकी इमेज बन करके आ रही है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन मल्टीपल सेशन एट भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, काकीनाडा, मुंबई, पटना, रांची, राजामुड़ी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, विजयनगरम। ये आपकी एग्जामिनेशन सेंटर्स गिवेन है, इन एग्जामिनेशन सेंटर्स पे आपका RINL का जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा और मल्टीपल सेशंस में भी एग्जाम हो सकता है। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि इन केस ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन और अ सिंगल डिसिप्लिन, द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी नॉर्मलाइज्ड आफ्टर मल्टीपल सेशन डिसिप्लिन वाइज एग्जाम। तो क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर एक से ज्यादा सेशन में आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है किसी एक पोस्ट के लिए, तो उसमें जो फाइनल जो आपका मार्क्स होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा, वो सभी शिफ्ट्स के जो मार्क्स होंगे उसका नॉर्मलाइज मार्क्स निकालने के बाद ही उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बात करें अगर कि इसमें जो फॉर्म है ये कब से स्टार्ट हो रहा है और ये कब से भरना शुरू होगा, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा ये लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट में आप देख सकते हैं कि कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट है वो आपकी है 1 अगस्त 2019, जो आपकी फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो आपका है 1 अगस्त 2019, और लास्ट डेट जो आपकी फॉर्म भरने की होगी वो होगी आपकी 21 अगस्त 2019, और पेमेंट करने की लास्ट डेट आपकी है 22 अगस्त 2019। तो इसका मतलब ये जो फॉर्म है ये केवल आपका 20 से 21 दिनों के लिए है, और ये फॉर्म आपको कहाँ भरना है आपकी स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आपको लिख करके आ रहा है। इस फॉर्म की जो फीस है वो आपकी 300 रुपए है प्लस आपका 18% GST है, ये आपका लगेगा जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए, और जो फीस है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप भर सकते हैं। कोई जो आपकी फीस है ये SC ST और फिजिकली हैंडीकेप जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। बात करें अगर कि आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं,
क्लियरली लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई बीइंग एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, वो wizagsteel.com पर जाकर के करियर लिंक पर जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो डिटेल्स है कि कैसे अप्लाई करना है वो आपका एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करें और एडवर्टीजमेंट को आप अच्छे से पढ़ें। तो अब आपको बताते हैं कि ये जो एग्जाम होने वाला है RINL का, जो कि लिखा हुआ है कि जो अगस्त है 1 अगस्त को आपका फॉर्म स्टार्ट होगा और 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। तो आप सोच रहे होंगे कि जब अगस्त में इसका फॉर्म आ रहा है तो एग्जाम कब होगा, तो हम लोग आपको बताते हैं कि जो इसका एग्जाम है वो एक्सपेक्टेडली आपका अक्टूबर तक हो सकता है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं तो आपके पास केवल अक्टूबर तक का समय, आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि इसकी सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस बार जो वैकेंसी है इसमें वो आपकी क्लियर हो जाए, तो आप इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस में आकर के ज्वाइन करिए। यहाँ पर 3 महीने के लिए आपको टाइम लिया जाएगा और 3 महीने में आपका जो पोर्शन है टेक्निकल का और नॉन टेक्निकल का उसके लिए आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से पढ़ करके आप लोगों का अच्छे से अच्छा मार्क्स इस एग्जाम में आएगा और आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स ला करके सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने RINL का एग्जाम इससे पहले दिया है कि नहीं दिया है, और अगर दिया है तो आपके कितने मार्क्स आए थे, और अगर नहीं दिया है तो आपकी इसकी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल विजन को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि RINL में वैकेंसीज आ रही हैं और उसकी प्रिपरेशन में लग जाए। तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।